केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंदर उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर दमन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते देवशास्त्र गुरु उनकी यह पूजन है। पूजन के माध्यम से हम देव शास्त्र और गुरु उनके चरणों में ये द्रव्य समर्पित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सच में पूजन का काल ऐसा काल है जिसमें हम और परमात्मा हमारे बीच में कोई नहीं होता। सामने भगवान हैं और इधर मैं हूँ, हम दोनों के बीच में कोई नहीं है जो हम दोनों के बीच में खड़ा हो। डायरेक्ट संपर्क है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो ये पूजन में जिनेंद्र देव जो सामने बैठे हैं उनसे जब मेरा डायरेक्ट संपर्क हुआ तो मेरे भी मन में आई अपने दिल की बात कह दो। मन की बात क्या? तो हमने भी कह दिया। क्या कह दिया कि ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेश नहीं। इतने तरह से बातें कह दी, अपनी सारी बातों को स्पष्ट रूप से बतला दिया। फिर इतना ही नहीं, पुष्प के बाद में नैवेद्य के चंद में भी बात कह दी कि प्रभु मैंने बहुत पर द्रव्यों का सेवन करके भूख मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये तृष्णा की खाई ऐसी है कभी भरती नहीं है, भरती नहीं है। दीप के चंद में भी यही बतलाया कि मैंने तो जड़ दीपक को उजाला करने वाला समझा था, लेकिन सच में तो अंतर में ज्ञान दीप जले इस भावना से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये पर की गंध है, ये भाव कर्म है, और इन राग द्वेष आदि के कारण भाव मरण भी करता रहा हूँ। तो भाव कर्म हो या भाव मरण हो, दोनों ही मेरे दुख के हेतु बनते हैं, और इनको तो छोड़कर और निज गंध, धूप और गंध पर्यायवाची है ना, धूप गंध के लिए जानी जाती है। तो किसकी गंध आज तक मेरे हृदय में पर की गंध रही, अब स्व की गंध सुहाए, इस भावना से ये धूप समर्पित कर दिया। और फल के चंद में भी ऐसे फल की बात कही गई कि मोह तड़प कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। कि हे प्रभु, मेरे मोह तड़प तड़प करके टूट पड़े तो आपकी पूजन सार्थक हो जाए। पूजन का फल और क्या चाहूँ मैं, मोह नहीं रहा तो सब काम हो गया। ये मोह दुख का घर है, मोह टूटा तो सब टूट गया, मोह छूटा तो सब छूट गया। इसलिए मोह टूट जाए, मोह क्षय वो मोक्ष है, और ऐसे मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना से यहाँ फल समर्पित किया गया। अब अर्घ का छंद हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर चर्चा है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कषाय भाव विनष्ट किए दर्शन बल पूर्ण प्रकट हो
लिखे गए होंगे, ये वचन जब निकले होंगे हैं, कितनी दृढ़ता होगी कि हे जिनेन्द्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे भगवान, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहे, आप जैसा बनना है मेरे को। शिष्य गुरु के चरण में आकर के कहता है कि गुरु मुझे आप जैसा बनना है। भक्त भगवान के चरणों में आकर के कहता है कि प्रभु मुझे आप जैसा बनना है। ये भावना है मेरी, ये क्यों आए हो मेरे पास में, तुम जैसा बनने के कारण। और चर्चा कहाँ से शुरू होती है, बात कहाँ से शुरू होती है, मिथ्यात्व मल को धो देने से चर्चा शुरू होती है। जल, जल से बात शुरू हुई ना, जल से लेकर फल तक, तभी तो अर्घ बनेगा। अर्घ तो जल से लेकर के फल तक समस्त द्रव्यों को मिला करके बनाया जाता है। अर्घ मतलब ही होता है समूह। क्या तो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्षण भर, एक क्षण मात्र के लिए किसको पीने की बात है, एक बार पीके तो देखो, आम रस एक बार पी करके तो देखो। क्या पी करके देखें, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितनी बार नहीं पिए हमने, बहुत बार पिए हैं। जड़ के और पर के रस को तो हमने बहुत बार पिया, अभी ये कहते हैं एक क्षण मात्र के लिए जिसने अपने चैतन्य रस का रसास्वादन किया, आत्मिक सुख का स्वाद लिया, तो सुनो, आत्मा का स्वाद लेने पर चैतन्य रस और अतिन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने पर जगत के रस रस नहीं दिखते। अब रस नहीं है इसमें, अब रस नहीं आता है, अब हमें ये रस नहीं आता, ये पसंद नहीं आता। भोगों को अमृत फल जाना आज तक, उसमें मस्त रहा, और अब क्या कह रहे हैं, क्षण भर के लिए अपने चैतन्य रस को पी करके देखो। भावना है, जिन्होंने पिया है वो इस तरह की बात कहते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मन को धो देता है। ओ, जैसे ऐसे रस होते हैं ना कुछ, कि उसको पीने के बाद पेट साफ हो जाता है, कहते कई 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 तरह के होते हैं ऐसे रस, तो वो क्या करते हैं कि वो अंदर से सब धो देगा। क्या एक बार तुम ये रस पियो, सब धुल जाएगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं, एक बार तुम चेतन रस को पी करके देखो, तुम्हारा जो मिथ्यात्व रूपी जो मल चढ़ा था ना, क्या जैसे त्रिफला पीने से वो पेट का मल साफ हो जाता है, इसी तरह से ये चैतन्य रस को पी लेने से मिथ्यात्व रूपी मल धुल जाता है, मिथ्यात्व रूपी मल साफ हो जाता है। मिथ्या मल, मिथ्यात्व रूपी मल मतलब मैल, मिथ्या मतलब झूठ, ये झूठी मान्यता रूपी जो मल चढ़ा था ये सब धुल जाएगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मन को धो देता है। और फिर क्या होगा, अब मिथ्यात्व मल तो धुल गया, लेकिन अभी कषायें बची है। क्या दर्शन मोह तो चला गया, अभी चारित्र मोह बचा है। अब अगला प्रयास जो होगा वो चारित्र मोह को नष्ट करने के लिए होगा। फर्स्ट स्टैम्प में, पहले प्रयास में दर्शन मोह का नाश किया जाता है, और फिर उसके पश्चात प्रयास होता है चारित्र मोह के नाश के लिए। लेकिन जगत में दर्शन मोह तो दिखता ही नहीं है, लोग कषायों को ही अपराध मान लेते हैं। असली अपराध कषायों का नहीं, असली अपराध तो श्रद्धा का है, असली अपराध तो मान्यता का है, असली अपराध तो अभिप्राय का है। पहले वो मिथ्यात्व रूपी मल निकले, उसके बाद फिर चारित्र मोह को नष्ट करने की बात आएगी। मिथ्यात्व रूपी मल तो अंदर पड़ा हो और बाहर में चारित्र प्रकटता की बात करें तो नहीं होगा भाई। कषायिक भाव विनष्ट किए, फिर क्या होगा, निज आनंद अमृत पीता है। क्या बात हो गई, देखो पहले तो क्षण भर के लिए उस रस को चखने की बात कही थी, क्या
उसको चखते ही तो मिथ्यात्व चला गया। अब उस रस में तल्लीन हो गए तो कह रहे आनंद अमृत पीने लगा। अब तो अब भूमिका बढ़ गई ना, क्या कषायें नष्ट हो गई, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह भी चले गई, तो अब तो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, अतिंद्रिय आनंद रस के झरने झरते हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जल धरते हैं। हमारे महामुनिराज कषाय नष्ट होने पर फिर क्या होगा, और आगे बढ़ेंगे तो अनुपम सुख तब विलसित होता। फिर क्या होता है, तब क्या होगा, अनुपम सुख विलसित होने लगा। गुणस्थान 11वां 12वां हो गया, अनुपम सुख विलसित होने पर क्या, और वही अनुपम सुख 11वां 12वां गुणस्थान 13वां होते अनंत सुख में बदल जाता है। केवल रवि जन्म करता है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य जन्म आने लगा, 13वां गुणस्थान हो गया। दर्शन और बल ये भी पूरी तरह से प्रकट हो गए, इस अवस्था को अरहंत अवस्था कहते हैं। यह ही अरहंत अवस्था है। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, अनुपम सुख एक तो है, सुख अनंत सुख हो गया, फिर केवल रवि ये केवल ज्ञान की बात हो गई, फिर दर्शन या अनंत दर्शन की बात कही, फिर बल या अनंत लीले की बात कही, ये चतुष्टय हुए ना, ये अनंत चतुष्टय है। लाइन नंबर 3 और 4 इन दोनों लाइनों में यह अनंत चतुष्टय प्रकट करने की बात कही है। और जब ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट होता है तो कहते हैं ये सच्ची अरहंत अवस्था है, इसका नाम अरहंत अवस्था है। अब बन गए भगवान, तो साहब ये तो भगवान बनने तक की बात बतला दी, मिथ्यात्व नष्ट होने से लेकर माने पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक प्रकट करने की विधि और प्रक्रिया को इन्होंने बतलाया। अब क्या चाहता है, पहले भगवान के स्वरूप का स्मरण किया। देखो जिनेंद्र देव की पूजन, पूजन में भगवान के स्वरूप का स्मरण किया फर्स्ट पहले स्टेप पर, और सेकंड स्टेप पर फिर कहा कि आपका स्वरूप मुझे पसंद आया है, मुझे भी ऐसा बनना है। भगवान को देखा, भगवान का स्वरूप देखा और क्या गजब स्वरूप है प्रभु आपका, तो पहले तो वो 4 लाइनों में बतला दिया, फिर 2 लाइनों में अपनी भी बात कह दी, प्रभु तेरे पद का प्रत्याशी हूँ, प्रभु तुम जैसा बनना है मेरे को। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, हर निश्चित तेरे सदृश प्रभु अनंत अवस्था पाऊंगा। क्या सवाल करते हो ये पूजा है, कितनी बार की है अपन लोगों ने ये पूजा, क्या कह रहे हैं। देखो आप ये अर्घ, मानो अर्घ हाथ में होता है ना, आप जानते हैं संकल्प लिया जाता है द्रव्य हाथ में लेकर, संकल्प कैसे लेते हैं जाप में, कभी बैठे हैं आप इस तरह से पूजन विधानों में जाप में अनुष्ठानों में, तो हाथ में द्रव्य लेकर संकल्प कराया जाता है, और वो संकल्प लेकर फिर वो सामग्री समर्पित की जाती है। तो ये जो अर्घ है ये मैंने हाथ में ले लिया, और हे जिनेंद्र देव प्रतिज्ञा है मेरी, क्या क्या प्रतिज्ञा है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अनंत अवस्था पाऊंगा, ये संकल्प है मेरा, अर्घ हम मेरे पाऊंगी थी स्वा। क्या कहा, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु, क्या क्या करना चाहते हो अर्घ समर्पण करके, कि निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, असली काम तो अपने गुणों का अर्घ बनाना है। बोलो अपने गुणों का अर्घ बनाना मतलब, गुणों का अर्घ बनाना मतलब क्या होता है, गुणों का अर्घ कैसे बनाया जाता है, अर्घ अर्घ कैसे बनाया उसका, अरे अर्घ कैसे बनाते हैं, आपकी थाली में जो सामग्री है उसका अर्घ कैसे बनाते हो, सबको मिला लेते हैं तो अर्घ बन जाता है, कोई अलग अलग तो नहीं रहता है ना कुछ,
अलग अलग तो नहीं चढ़ाते कुछ भी, ऐसे ही कह रहे हैं अपने में जो गुण है, अपने में ज्ञान भी है, अपने में दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर भी है, बोले इनका अर्घ बनाना है, इनको भेद रूप नहीं देखना, अभेद अखंड का अनुभव करना है। क्या अभेद निज गुण का अर्घ मतलब अपने अनंत गुणों की अभेदता, अभेद अखंड अनंत गुण मिलकर के एक हो गए। क्योंकि जब आत्मा का स्वाद आता है तो ज्ञान का स्वाद नहीं आता, आत्मा का स्वाद आता है तो अकेले सुख का स्वाद नहीं आता, आत्मा का स्वाद आता है तो अभेद अखंड पूरे आत्मा का स्वाद आता है। हम आपसे पूछते हैं जब आप खीर का स्वाद लेते हैं तो चावल का स्वाद आता है कि दूध का स्वाद आता है, बादाम का स्वाद आता है कि इलायची का स्वाद आता है, हैं बोलो काय का स्वाद लेते हो आप, इलायची का स्वाद लेते हो कि बादाम का स्वाद लेते हो? नहीं, इलायची का स्वाद अलग है, बादाम का अलग है, मीठे का अलग है, चावल दूध आदि का अलग है, लेकिन सबका मिलकर के एक स्वाद का नाम है खीर का स्वाद। तो साहब खीर का स्वाद अलग है, भेद नहीं है क्या? भेद दिखे तो फिर खीर का स्वाद नहीं है। आपने जैसे ही बोला मीठा थोड़ा सा कम है क्या, तो आपने खीर नहीं मीठा मीठे की तरफ ध्यान दिया है क्या? दिमाग में चल रहा है दूध 60 रुपए किलो है, गई भैंस पानी में क्या? गया खीर का स्वाद। अरे ये जो स्वाद जब लिया जाता है किसी भी चीज का स्वाद, तो कैसे होता है वो स्वाद? अर्घ बन करके, जल अलग नहीं रहा, चंदन अलग नहीं रहा, अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल सब मिलकर के बोले एक हो गया। अब इसमें बादाम मत देखो अलग, अभी अर्घ है। तो ये अर्घ समर्पण करके प्रभु, अर्घ प्रेरणा दे रहा है मेरे को, ये अर्घ मुझे प्रेरित कर रहा है कि जैसे इसको बनाया है ऐसे अनंत गुणों का अर्घ बनाऊंगा। तो क्या होगा उस अर्घ को बनाने से? निश्चित दृढ़ता है, दृढ़ता है इस निश्चितता में क्या, संकल्प है ये, ऐसा भी काम करोगे हाँ कर लेंगे, नहीं करेंगे काम, हाँ मन तो है करने का, नहीं नहीं करूंगा ही क्या, निश्चित क्या, क्या आपकी क्या भावना है? निश्चित पक्का, तो ये पक्का कर रहे हैं आप निश्चित कह करके, ये हल्की फुल्की भावना नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। निश्चित तेरे सदृश, सदृश मतलब समान, तेरे सदृश आपके समान, आपकी अवस्था जैसी, जैसी आपकी अवस्था है प्रभु, अरहंत अवस्था पाऊंगा, अरहंत अवस्था की प्राप्ति अवश्य ही करूंगा। ओम ऋम श्री देव शुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वाणी, देखो क्या अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ क्या मतलब बहुमूल्य, क्या अनर्घ अमूल्य पद की प्राप्ति की भावना से ये अर्घ समर्पित कर रहे हैं आपको। इस तरह से ये अष्टगुण की चर्चा, अर्घ तक की चर्चा अपनी यहाँ हुई। जयमाला प्रारंभ करते हैं हम लोग, जयमाला में प्रथम छंद के उपरांत 12 भावनाएं शुरू की है। सबसे पहला छंद स्तवन, स्तवन माने स्तुति, जयमाला है वास्तव में। तो जयमाला का मतलब भी क्या होता है, जयमाला मतलब क्या होता है? जिनकी पूजन की जा रही है उनकी जय जयकार रूपी माला बना दी शब्दों के माध्यम से, उनका वर्णन करते हुए जिनकी पूजन है। जयमाला में क्या हुआ, क्या बात लिखी जाती है जयमाला में बोलो? अच्छा आदिनाथ भगवान की पूजा है, तो कमट के उपसर्ग की और वो क्षेत्रपाल पद्मावती आ गए थे, वो सब आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में लिखूं तो नहीं चलेगा। आदिनाथ भगवान की पूजा में तो आदिनाथ भगवान की चर्चा होनी चाहिए, महावीर भगवान की पूजा में महावीर भगवान की चर्चा होनी चाहिए, उनका गुणानुवाद होना चाहिए,
उनकी जय जयकार, उनकी कीमत है, वो महिमा हमारे हृदय में आनी चाहिए। किसमें? जिसकी पूजन है, तो देव शास्त्र गुरु की पूजन में चर्चा किसकी होनी चाहिए? देव शास्त्र गुरु, वो चर्चा की है इन्होंने। पहले बारह भावनाओं की भी बात कही, वैराग्य की बात कही, और फिर देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की बात कही। देखिए दो पंक्तियां बोलते हैं अपन, भगवान ने जीवन घूमे चुका, कण कण को जीवन भर देखा, मृग सम मृग कृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की। क्या कह रहे हैं? भगवान में जीवन घूम चुके कि चुका, क्या है शब्द, क्या है? भगवान में जी भर घूम चुका, ये वाक्य इस बात को सूचित करता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। भगवान में जी भर घूम चुके, क्यों भैया? घूम चुके नहीं, घूम चुका क्या? आप यूरोप घूम चुके, मैं भी घूम चुका क्या? तो घूम चुके भवन में जीवन, व्यक्तिगत बात है भाई, ये पर्सनल बात है। भगवान के सामने भव रूपी वन में, भव मतलब दुनिया संसार, वन जंगल के समान है, अथाह है, अंत नहीं दिखता इसका कहीं। और क्या कह रहे हैं? जीवर, ये जी कौन है? ये जी किसी के सम्मान का सूचक नहीं है, जी के साथ में भर लगा है, जी भर मत, खुशी से मत, खुशी मत कहो, जी भर गया, अब थक गया बस, अब नहीं, जी जी भर के खा लिया मतलब अब नहीं, जी भर के घूम लिया मतलब अब नहीं। बच्चों को कह रहे तेरा जी नहीं भरता है क्या खेलने से? क्या तेरा जी नहीं भरता है क्या? तो जी भरने का मतलब अब पीछा छोड़ो, जी जी भरने का मतलब अब नहीं, घूम चुका, सच बतलाओ जी भर गया क्या? बताना, भाव मन में घूमते फिरते हुए अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, क्या हमारा जी भर गया क्या? अभी कहाँ कहाँ घूमना बाकी है? अभी तो सामान्य जाना बाकी है, अभी तो हमें जाना बाकी है, अभी तो बैनाड़ में प्रतिष्ठा हुई है, नया बना है, वहाँ बैनाड़ जाना बाकी है, अभी तो वहाँ जाना बाकी है, इधर उधर घूमना फिरना बाकी है। हाँ कहाँ कहाँ जाने की सोचता है? अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, कहाँ कहाँ घूमने की सोचता है? यहाँ चलो, वहाँ चलो, शिखर जी चलो, बुंदेलखंड चलो, अरे क्या दर्शन है साहब, यहाँ चलो दो दिन, मंगलायतन चलो, कैसे कैसे बनाता रहता है ये विचार, बनाता रहता है अपने अपने। ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी मन अभी थका नहीं है, अभी संसार से तुझे थकान भाषित नहीं हुई, अभी तुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब कहाँ घूमना बाकी है क्या? अब तो आकर बैठो प्रभु और शुद्धात्म की छाव में, अब तो आके बैठो चेतन, चैतन्य के दरबार में, अपने दरबार में आकर के बैठो शांति से, अपने स्वरूप में आकर के बैठो। ऐसा नहीं लगता है कभी? बहुत हो गया भैया, अब कहीं नहीं, ऐसा लगता है हमारे को कभी कभी? आप लोगों को लगता हो या नहीं? क्या बहुत कर लिया प्रचार प्रसार, बहुत घूम लिए, बहुत जगह जगह जाकर के, गांव गांव में, शहर शहर में, पूरे देश में, दुनिया में, जगह जगह जाकर के, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आगे से आगे कार्यक्रम, यहाँ मेरी प्रतिष्ठा है, यहाँ पंचकल्याणक है, यहाँ शिविर का आयोजन है, यहाँ ऐसा है, यहाँ उत्सव मना रहे हैं, यहाँ ये करवाना है, वहाँ जगह खूब खूब हो गया, यहाँ प्रवचन, वहाँ प्रवचन, यहाँ विधान, वहाँ बहुत बहुत कर, हमें बस बहुत हो गया, यहाँ अष्टानिका में, यहाँ पर दस लक्षण में, यहाँ पर शिविर में, यहाँ पर कभी यहाँ प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, कभी यहाँ शिक्षण शिविर लग रहा है, कभी यहाँ आध्यात्मिक शिविर लग रहा है, कभी यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है। कब तक थकान लगती है? बैठ जाओ बस शांति से, कहीं भी जाना ना आना, बस अपन और अपना बड़ा बंदे हैं। हाँ कहीं नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ? भगवान में जी भर घूम
कैसे किस तरह से घूमने की बात कर रहे हैं? कण कण को जीवन भर देखा, आईफिल टावर देखा? हाँ देखा है, देखा है क्या? और वो देखा क्या, लंदन में ये देखा, पेरिस में ये देखा, वहां पर ये देखा, उस जगह देखा, तूने अपने आप को देखा कि नहीं? वो तो नहीं देखा, सबको तो देखा निज को न देखा। अब क्या देखा तूने? देखने वाले को देखा कि नहीं ये बता। क्या सबको देखा है? अब कैसे देखा है? ये कह रहे कण कण को देखा है हमने, जी भर भर देखा है, कण कण को जी भर भर देखा। मैं जब तीन लोगों के ऊपर पढ़ाता हूं, कक्षा लेता हूं, तो मैं इस लाइन को हाईलाइट करता हूं, कण कण को जी भर भर देखा का मतलब जानते हो आप? जब पंच परावर्तनों की चर्चा करते हैं तो क्षेत्र परावर्तन में मैं ये लाइन बतलाता हूं। जी भर के देखने का मतलब जानते हो क्या होता है? कण कण को देखने का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है इस पूरे संसार में, ऐसी कोई जगह नहीं है तीन लोक में, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है लोकाकाश में जिस प्रदेश को हमने जी भर के नहीं देखा हो। हम आपसे कहें आपने सिस्किम देखा है? क्या बात कर रहे हो साहब? आपने जनता कॉलोनी देखा है? अरे क्यों नहीं साहब। और आपने सिटी कॉलोनी देखा है? हमसे कोई पूछे कोई बाहर कि साहब आप जयपुर घूमे हो कभी? गौरी बाजार देखा है आपने? आप क्या कहोगे? बोलो अरे भैया बोलो क्या बोलोगे? क्या बात कर रहा है, है? मेरा जन्म हुआ है वहां क्या? गली गली चप्पा चप्पा जानते क्या? इन बाजारों में, इन गलियों में जिंदगी बिताई है हमने। क्या क्या कह रहे हो आप? ये मेरी जन्म स्थली है, यहाँ जन्म हुआ है मेरा। बोलो अभी बोलो, जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ हो उससे ज्यादा परिचित हमारे लिए कौन सी जगह हो सकती है? उस जगह पर कोई व्यक्ति आपके लिए घूमने की बात कहे तो आपको लगता है अरे खूब देखा है, खूब घूमा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर जन्म हुआ है भाई साहब आपका। ये क्षेत्र परावर्तन कह रहा है इस आकाश के लोकाकाश के तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर, या सुई सुई लगाओ यहाँ इस जगह पर, यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ सुई रखो उसके बगल में, अरे वहाँ भी जन्म हुआ है, उसके बगल में एक सुई और चुबाओ, अरे यहाँ भी जन्म हुआ है, यहाँ भी जन्म हुआ है, यहाँ जन्म हुआ कि नहीं हमारा, इस जगह जन्म हुआ है? हाँ ये मैंने उंगली यहाँ उठा रखी है, यहाँ जन्म हुआ है कि नहीं? ये भी सब जगह, ऐसा नहीं कि नीचे धरातल पर, प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर एकेंद्रीय बनकर के बोलो जन्म लिया है हमने, कण कण पर जन्म लिया है, जी भर करके देखा है, ये कह रहे हैं आप। तो फिर साहब इतना जी भर के यदि तुमने सारी दुनिया में देखा होगा तो तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। और वाह कितना मजा आया, अरे यार क्या बताऊं, हम तो परेशान हो गए, होटल में व्यवस्था अच्छी नहीं थी, गाड़ी नहीं मिली, और क्या करें, गए तो थे वहाँ घूमने के लिए लेकिन बरसात इतनी तेज थी कि कहीं घूम ही नहीं पाए, और फिर क्या वापसी की फ्लाइट थी, और क्या करें, सब समझ में आई बात, कितना घूमे आप, और साहब क्या करें। कई लोग ऐसे हैं सम्मी शिखर जी जाते हैं और बिना बनने के वापस आना पड़ता है, चार दिन वहां रुके, मौसम इतना खराब था, इतनी तेज बरसात थी, चढ़ ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए हम, अब वापसी रिजर्वेशन था, अब क्या करें। सात दिन में शिखर जी जाकर के वापस आ जाता है, क्या दर्शन करता होगा, कोई भरोसा नहीं है उसमें भी, वंदना हो के नहीं हो आपकी, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। आप यहाँ से समझ लो पेरिस गए, और पेरिस जाकर के आप नहीं देख पाए आईफिल टावर, नहीं हुई ऐसी स्थिति। हम लंदन गए और लंदन जाकर के हम कोई नूर हीरा देखने के लिए गए, क्या टिकट हो गए, सब हो गए और सब देखना था। अब वो जिस उसमें था
क्या कहते हैं, जिस म्यूजियम में था, समझ लो आप, अब उस म्यूजियम की जगह गलती से पैकेज में दूसरे म्यूजियम का टिकट था, क्या अब क्या करें बोलो, अब तो वापस आना है हमारे में, प्रवचन करो, कार्यक्रम हो, वापस लौट करके आना है, तो देखा ही नहीं हमने क्या, अब अगले साल फिर जाएंगे तो फिर देख के आएंगे क्या क्या करें, आपने देखा कि नहीं, और फिर आईफिल टावर नहीं देखा, अरे क्या करें साहब, हम तो नहीं देख पाए, ये कह रहे ये चीज नहीं देखी, हम क्या करेगा, ये कह रहे हैं संसार समुद्र में इतना घूमे तो तुम्हें सुख तो मिला होगा, तुम घूमे क्यों थे, मृग सम मृग कृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, क्या कह रहे हैं, मृग सम हिरण के समान, मृग कृष्णा धोखा भ्रम, मृग कृष्णा कहते हैं भ्रम है, मृग कृष्णा माने धोखा है, मृग कृष्णा माने सच्चाई नहीं है, मृग कृष्णा माने वास्तविक नहीं है, दूर पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, दौड़ता है बेचारा और थक हार करके प्राण निकल जाए उसके, लेकिन पानी नहीं मिले उसे जंगल में, और पानी पानी दूर दूर से दिखाई देता रहे, ये मृग कृष्णा, क्या क्या कहा यहां, मृग सम हिरण की जैसे मृग कृष्णा के पीछे हम भी दौड़ते रहे, यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, तो चूलगिरी में सुख मिलेगा है, तो बुंदेलखंड में सुख मिलेगा, तो श्रवण बेलगोला में सुख मिलेगा, तो यहां तो मिलेगा सुख, तो यहां तो मिलेगा, तो यहां तो जाए तो कहां जाए, ये बताओ आप, कि कहीं मत जाओ, अपने में आ जाओ, क्या क्या कहा यहां, मृग सम मृग कृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, अच्छा तुम्हारे तो रंच मात्र भी सुख नहीं मिला, तो तुम घूमे थे भवन में, कौन घूमा था, घूमा तो नहीं था क्या, खूब घूम चुका, कण कण को देखा, जी भर के देखा, लेकिन फिर भी मुझे सुख की लेश मात्र भी, रेखा रेखा मतलब लाइन मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला मेरे को, मुझको न मिला सुख, मुझको न मिली सुख की रेखा है? अभी देखो आप, तो फिर क्या हुआ ये बताओ, घटना बताओ, हुआ क्या आखिर, आखिर आप वहां जाकर के बिना दर्शन किए आगे शिखर जी जाकर के, तो हुआ क्या था ये तो बताओ, क्या आप वहां तक गए भी, अभी काम भी नहीं हुआ तो हुआ क्या, आप यहां से निकले मंदिर जाने के लिए पूरे प्रोग्राम बना करके वहां तक गए भी, फिर हुआ क्या, कि हम दोपहर में पहुंचे थे मंदिर, और जब वहां पहुंचे तो मंदिर के ताला लगा हुआ मिला, क्या करें, हमने कोशिश भी बहुत की कि चाबी मिल जाए आस पड़ोस में किसी के पास हो, लेकिन वो जिनके पास में थी वो ही गए हुए थे, अब क्या करते हम, तो ये तो बताओ आप, भाव मन में घूमे जगह जगह भटके, तो तुम्हारे साथ में हुआ क्या आखिर, कि तुम्हें सुख नहीं मिला, तो पता है क्या बता रहे हैं हम, झूठे जग के सपने सारे तन जीवन भावनाएं, क्या ये स्वरूप बतला रहे हैं, क्या क्या बीता हमारे साथ में, अनित्य, हमने अनित्यता को देखा, हम सारे जगत में घूमे तो हमने अशरणपना देखा, हम पूरे जगत में घूमे तो हमने संसार की असारता को देखा, ये देखा हमने, क्या देखा आपने बतलाओ, वेनिस गए तो आपने क्या देखा बतलाओ, अरे हमने ऐसा फटाफट देखा वहां का, क्या ऐसे टूटे मकान देखे, हमने कहा हमारा इंडिया ही इससे अच्छा है, क्या बोलो है कि नहीं, वहां वेनिस में पूरा पानी में है, है ना, और वो नाव में बिठा करके पानी में घुमाते, तो जहां नाव में बिठा करके पूरे नगर में घुमाया, क्या उस कंट्री में, तो क्या किया आप जाके आए हो ना अभी, तो
तो अब देखो, अब उसमें जब घूमते हैं तो क्या देखा आपने, लोगों को अपने घरों में भी जाना होता है तो नाव में बैठ के जाते हैं पानी में, तो जहाँ पानी है ना, जहाँ वहाँ ऐसी काई जम रही है वहाँ कॉर्नर पर मकानों में, और ऐसे ईंटें टूटी हुई दिखाई दे रही है। मैं तो उसकी फोटो खींच करके लाया था, गया था, तो क्यों मैंने कहा ये देखने के लिए आए हैं हम यहाँ। बोलो क्या देखा तुमने, बतलाओ, मजा नहीं आया तुम्हारे को? बहु वन में घूमे तो तुम्हें मजा नहीं आया कि नहीं आया? कि क्यों नहीं आया कि हमने जहाँ देखा वहाँ हमारे को अनित्यता दिखी, संसार में जहाँ देखा हमें अशरणपना दिखा, संसार में जहाँ देखा हमें संसार की असारता दिखाई दी। ये सब यहाँ बतला रहे, तुमने क्या देखा? बहु वन में जीवन घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा। क्या, तो देखो फिर क्या कहते हैं आगे। तो अभी इन्होंने यहाँ बारह भावना की चर्चा प्रारंभ की, फिर कुछ बातें बतलाएंगे अनित्य आचरण संसार आदि अन्यत्व अशुचि के माध्यम से अशास्त्र, फिर बात थोड़ा सा ट्रैक बदल करके बात करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या भावना बताता हूँ, भावनात्मक लेवल पर बात की है यहाँ। झूठे जग के सपने सारे, देखो ये जो है ना, झूठे जग के सपने सारे, इनमें दो बातें ली जा सकती है। जग झूठा है, एक तो ऐसा सारा जगत झूठा है, और दूसरा ऐसा अर्थ करो कि जग के सारे सपने झूठे हैं। क्या, झूठे जगत में सब कुछ सपना मात्र है, और एक जगत के जितने सपने हैं, ऐसा बना लूंगा, ऐसा बना लूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब सपने हैं सब, और झूठी मन की सब आशाएं हैं। मन की इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, वो भी सब क्या है, झूठे हैं। और इतना ही नहीं, तन जीवन यौवन सिर है, तन जीवन और यौवन, तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, जीवन क्या भरोसा है इसका, आयु, यौवन, तो क्या जवानी में जो जोश रहता है, ये कह रहे हैं भैया अस्थिर है, क्या तुम्हारा शरीर कब तक रहेगा, उम्र के हिसाब से सब ढीले पड़ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर जवाब देने लगता है, क्या आंख नाक कान सब जवाब देने लगते हैं, घुटने जवाब देने लगते हैं, कमर जवाब देने लगती है। अब वो जो जवाब दे रहे हैं उन जवाब को सुनो तो सही, जवाब तो दे रहे हैं लेकिन उस जवाब को सुनता नहीं है, प्रॉब्लम ये रिपेयरिंग चालू करता है, क्या टूट फूट की रिपेयरिंग चालू होती है, फिर ऊपर ऊपर से प्लास्टर करता है, पॉलिशिंग करने का प्रयास करता है, अस्थिर है, क्षण भंगुर है, पल में मुरझाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या यौवन का कोई भरोसा नहीं है, कब तक रहेगा। अच्छे अच्छे युवा लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, लगता है बुढ़ापा आ गया, 35-40 साल की उम्र में क्या बुढ़ापा आ गया, ऐसा कहते हुए दिख जाते हैं। क्षण भंगुर पल में मुरझाए, ये तो बात हुई अनित्यता के संदर्भ में, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ अनित्य है। हाँ साहब, बात तो सही है, हमने बारह भावना की चर्चा की थी ना थोड़े समय पहले, पिछले भाग में, वही बारह भावनाएं हैं, स्टाइल अलग प्रकार से, शब्द अलग हैं, भावना वही है। पहली भावना का नाम क्या है, मैंने नाम भी याद कराए थे, भूल गए थे आप लोग, भूल गए वापस देखो, वापस क्या है, अनित्य आचरण संसार, बोलो अनित्य आचरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, एकत्व अन्यत्व अशुचि, एकत्व अन्यत्व अशुचि, या लाइन से लिखे ऊपर से नीचे तक, अनित्य आचरण संसार, बोलो एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रम संवर निर्जरा,
याद करना भाई, दो चार बार बोलोगे तो नाम याद होंगे आपको। क्या तो पहले अनित्यता की बात हो गई, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, पलक झपकती ऐसा है, पल में मुरझाए जैसा है। हम छत पे खड़े थे, रेनबो दिखा हमारे को और हमने नीचे पे आवाज लगाई, अरे बेटे जल्दी आना छत पे दौड़ करके देख, और वो आया था तक तो अब क्या आएगा, खत्म। क्या अब नहीं दिखाई दे रहा है, वो इंद्रधनुष गायब हो गया आसमान में से, कैसे गायब हो गया, क्षण भंगुर बिजली की चमक के समान, चपला चपलाई सुर धनु, चपला चपलाई इंद्र धनुष और बिजली की चमक के समान, ये सब क्षण भंगुर है। आगे सेकंड आचरण, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण में कोई जवाब, अरे साहब आपको पता है कैसे कैसे बॉडीगार्ड हैं हमारे, या? फिर क्या हुआ ऐसे सब बॉडीगार्ड होते हुए इंदिरा गांधी का बोलो, ये क्या कह रहे हैं यहां पर, रक्षक हैं, सम्राट हैं क्या, अरे अपने जो खास दोस्त हैं कौन, मोदी जी क्या, नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कह रहा हूं आप गलत समझाएंगे, दूसरा मोदी है वो दोस्त है मेरा, आप मोदी मोदी कहते हैं, आपको नरेंद्र मोदी क्यों दिखता है, ये सम्राट महान बलशाली क्या, सेनानी और योद्धाओं बहुत, और क्या इतना ही नहीं, ये सब मिलकर के भी उस क्षण को टाल सकते हैं क्या, जो क्षण कौन सा क्षण, आशरण अवस्था मृत काया है, मौत का क्षण आ गया है, जीवन पूरा होने का काल आ गया है, ऐसे क्षण को क्या टाला जा सकता है, सोचना जरा गंभीरता से विचार करना। अशरण मृत काया में मरे हुए शरीर में हर्षित होकर क्या वो अपना जीवन उसमें डाल सकते हैं, क्या वो जीवन दे सकते हैं, क्या वे बचा सकते हैं। दौलत राम जी ने छेड़ाना में लिखा है, मरते न बचावे कोई, मरते हुए को कोई भी व्यक्ति बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। बोलो जरा छंद क्या है, सम्राट महाबल सेनानी हर्षण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा, हर्षित हंसते हंसते मैं अपना जीवन देता हूं, दे सकते हो आप अपनी किडनी दे सकते हो क्या, खून दे सकते हो, बॉडी के पार्ट्स दे सकते हो, आंखें दे सकते हो, लेकिन जीवन दे सकते हो के लिए जिंदगी नहीं दे सकता क्या, आप भले व्यवहार में कुछ भी कहो क्या, जीवन दिया है साथ इन्होंने अपना, मंदिर के लिए इन्होंने अपना जीवन दे दिया, समाज के लिए इन्होंने अपना जीवन दे दिया, दे सकते हो लेकिन क्या ये संभव है, कोई अपना जीवन दे सकता है, जीवन दिया जा सकता है किसी को, जीवन किसी में डाला जा सकता है, कोई व्यक्ति मर रहा हो और मरते हुए डॉक्टर साहब बचा लो इनको, बचा लो इनको, ये क्या करूं मैं कि इसकी जिंदगी पूरी हो रही है, कि नहीं थोड़ा सा मेरा दे दो, आप व्यवहार में भले ही कह दो मेरी आयु इनको लग जाए क्या, हे भगवान क्या मेरी उम्र इनको लग जाए, हे लग जाए ऐसे लग जाएगी, ऐसे ऐसे कहने लग जाती है मेरी उम्र इनको लग जाए, ये कैसे लगेगी, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है इन बातों में, हमारी उम्र इनको लग जाए भावना है कि जैसे हमारी उम्र इतनी लंबी है ऐसी उम्र इनकी भी होगी, ये उम्र के अंदर लेने देने का हिसाब किताब तो होता नहीं है, कुछ लेने देने की चीज़ तो है नहीं, अरे अकेले सम्राट महाबलशालियों की बात नहीं की है, आप इन बारह भावनाओं को जगह जगह से उठा करके देखो तो कहेंगे दल बल देवी देवता और माता पिता और पूरा परिवार मिलकर के खड़ा है, यहाँ चारों तरफ घेर करके खड़ा है, हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हारे को, तुम चिंता मत करो क्या, कहीं जाओगे तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारे को, क्या नहीं होगा, हो
कौन बचाए, मरते न बचावे कोई, है कोई न राशन हार, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। दुनिया में तो देखते हैं, देख करके ऐसी बातें भी करते हैं, बात तो ये अपने को लग रही है क्या, क्या ये अवसर आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। बोलो, अनित्य और आशरण दो चरणों तक की हमने यहाँ चर्चा की है, कोशिश करेंगे कि कल की चर्चा में इन बारह भावनाओं की चर्चा को संपन्न कर सकें। बहुत सुंदर है, गुनगुनाते रहो दिन भर इन पंक्तियों को, है ना, ऐसी ये पंक्तियाँ हैं। हम सभी का जीवन उस अनित्यता और अशरणता में भी अपने स्वभाव की नित्यता और स्वभाव की शरण खोज ले रहे, हमारी ऐसी दृष्टि बन जाएगी और अपने स्वभाव की शरण पूर्वक हम सभी के जीवन में सच्चा सुख प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यही।